ईरान के अप्रत्याशित हमले से बौखलाए पाकिस्तान ने गुरुवार तड़के सीमा से 48 किलोमीटर दूर ईरानी इलाके में पलटवार कर दिया। पाकिस्तान ने कहा कि रॉकेट और किलर ड्रोन के जरिए उसने बलूच आतंकियों के ठिकाने पर हमला किया। ये बलूच आतंकी लंबे समय से पाकिस्तान के भीतर हिंसा फैला रहे थे, जबकि ईरान ने कहा है कि सिस्तान बलूचिस्तान के गांव पर हुए पाकिस्तानी हमले में 9 लोग मारे गए। मारे गए लोगों में 4 बच्चे, 3 महिलाएं और 2 पुरुष हैं। ईरान के गृह मंत्री अहमद वाहिदी ने मारे गए लोगों को विदेशी नागरिक बताया। करीब 30 घंटे के भीतर ईरान और पाकिस्तान के द्वारा एक दूसरे के ठिकाने पर किए गए हमलों से क्षेत्र में तनाव बढ़ चुका है। चीन ने दोनों ही मित्र देशों के बीच तनाव को खत्म करने के लिए मध्यस्थता का प्रस्ताव रखा। मंगलवार देर रात आतंकी संगठन जैश अल अहद के ठिकानों पर ईरानी हमले से बौखलाए पाकिस्तान ने गुरुवार तड़के यह हमला किया था। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि खुफिया सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में कई आतंकी मारे गए। पाकिस्तान ने यह कार्रवाई आत्मरक्षा और अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर बताया है। वहीं पाकिस्तानी सेना के बयान में कहा गया है कि लक्ष्य भेदने वाली कार्रवाई में ईरान में स्थित बलूच लिबरेशन फ्रंट और उसके सहयोगी संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। वहीं एक उच्च पदस्थ पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि देश के सुरक्षा बल इस समय हाई अलर्ट पर है। ईरान ने अगर कोई पाकिस्तान विरोधी हरकत की तो उसकी पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। ईरान के साथ संबंधों में पैदा तनाव के बीच पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवार उल हक काकर विश्व आर्थिक मंच दावोस का अपना दौरा बीच में ही खत्म कर वापस इस्लामाबाद लौटा है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।